R9 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका R9 में बहुत बहुत स्वागत है सर। शास्त्री जी, हिंदू पक्षकारों की जो दलीलें हैं वो पूरी हो चुकी हैं, अब मुस्लिम पक्षकार जो है वो अपनी दलीलें रख रहे हैं, तो लेकिन इन दलीलों में कहीं ना कहीं उनके बीच में थोड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? देखो जी, विरोधाभास तो बेतुके और निराधार है, उनका कोई आधार नहीं। देखो, हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं या वास्तुशास्त्री हैं, वहाँ खुदाई हुई है, सारा कुछ मिला है कि यहाँ राम के प्रतीक चिन्ह मिले हैं, वहाँ महल का मिला है। और वैसे भी अयोध्या शास्त्रीय नगरी है हमारी, पुराणों की पौराणिक नगरी है, और हमारे अनेक प्रकार के जो है वैदिक काल से है, ऐसा नहीं है कि अभी से है, ये वैदिक पौराणिक इसके बाद में ऐतिहासिक सारे तो प्रमाण मिल रहे हैं, और क्या प्रमाण चाहिए बताइए। तो ये थे हमारे साथ आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री जी, जिनका सीधा सीधा साफ तौर पर कहना है कि फैसला जो है वो राम मंदिर के पक्ष में ही आएगा और इस बार राम मंदिर बनकर ही रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राघव के साथ प्रियंका, R9 TV, नोएडा।